हेलो, अस्सलाम वालेकुम। न्यू यूट्यूबर्स परेशान तो नहीं हो गए? अरे यार, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैं भी आप ही की तरह एक नया यूट्यूबर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा और यूट्यूब की ये पॉलिसी क्या है, इसका मकसद क्या है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बेहतरीन सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। दोस्तों, जब हम अपने YouTube की सेटिंग करते हैं तो हमें एडवांस सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है कि अपने सब्सक्राइबर को आप सब्सक्राइबर काउंट को हाइड करें या डिस्प्ले कर दें। तो हमें ये उसका ऑप्शन मिलता है, तो अगर उसको हम चेक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, और अगर हम उसको चेक ना करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको हाइड रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन शॉट में दिखा देता हूँ आपको। तो हम जैसे जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि यार वो अपने जो सब्सक्राइबर्स उनको हाइड कर देते हैं, तो जो आप न्यू व्यूअर्स आते हैं आपके चैनल के ऊपर, तो हमारी एक साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है कि हम जब भी कोई चैनल देखते हैं तो सबसे पहले जाके उसके सब्सक्राइबर्स देखते हैं और फिर उस वीडियो के व्यूज़ देखते हैं। तो सब्सक्राइबर्स देखते हैं तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस वीडियो की तरफ। तो जैसे मेरी तरह और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, न्यू यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं कि यार जब तक हमारे सब्सक्राइबर जो है वो थोड़े से ज़्यादा ना हो जाए, 20,000 30,000 तक ना पहुँचे, तो हम हाइड रखें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो लोग देखते रहें, ये ना हो कि हमारे सब्सक्राइबर्स देखे लोग हमारी वीडियो स्किप कर जाएँ। तो लेकिन अब यूट्यूब ने ये अनाउंसमेंट की है कि 29 जुलाई से अब जितने भी लोगों ने अपने सब्सक्राइबर हाइड किए हुए हैं वो अब शो हो जाएंगे, कोई भी हाइड नहीं कर सकेगा। जैसे कि उसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, इसमें यूट्यूबर ने अनाउंसमेंट की है। अगर आप इसको प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप एडवांस सेटिंग में जहाँ जाएंगे, जहाँ भी हमें ऑप्शन मिलता है कि सब्सक्राइबर काउंट को इनेबल करने का और डिस्प्ले करने का, तो वहाँ पर ही आपको ये पूरा इसका पैराग्राफ वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, जो हमारी ये सोच है, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो परेशान ज़्यादा इस वजह से होंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या न्यू यूट्यूबर्स पे पड़ेगा या जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं जो पुराने यूट्यूबर्स हैं उन पर पड़ेगा। तो यार हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर या न्यू यूट्यूबर्स जो हैं उनके जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं उन पर पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब ने ये क्यों किया है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब हम सब्सक्राइब को हाइड कर देते हैं तो जब वो भी व्यूअर आता है देखने के लिए, तो वो सब्सक्राइबर तो उसको नज़र नहीं आ रहा, तो वो वीडियोस देखना शुरू हो जाएगा, तो वो व्यूअर्स जो हैं वो उसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे थे। यूट्यूब ये चाहता है कि जेन्युइन यूट्यूबर हो, कंटेंट जेन्युइन हो, और जो व्यूअर्स भी आए और जो व्यूअर आए वो भी जेन्युइन कंटेंट के ऊपर आए। तो बहुत से लोग ऐसे मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, जो उनका कंटेंट होता था वो भी जेन्युइन नहीं होता था, और उनका जो चैनल होता था वो भी एक फेक किस्म का चैनल होता था, वीडियोस उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से ला के वीडियो डाल दी, और व्यूअर्स जो हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो यूट्यूब का एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि क्लाइंट्स हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। तो यूट्यूब चाहता है कि भाई जेन्युइन की तरफ लोग आएँ और जेन्युइन चीज़ देखें, वहाँ पर वो एड्स देखें, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इससे घबराना नहीं है, इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। यूट्यूब भी यही चाहता है कि भाई जो भी यूट्यूबर आए, देखो अब पहले बहुत कम यूट्यूबर होते लेकिन अब रुझान बहुत ज़्यादा हो गए, लाखों की तादाद में यूट्यूबर्स हो गए हैं, तो अब यूट्यूब ये चाहता है कि यार जो भी यूट्यूबर आए, ठीक है, वो कॉन्टेंट उसका ऐसा हो, उसका थंबनेल ऐसा, एडिटिंग ऐसी हो कि लोग उसके सब्सक्राइबर को देखें ही ना, उसकी एडिटिंग और उसका कंटेंट को देख के खुद लोग सब्सक्राइब करें। आज हम क्या करते हैं कि यार अपनी एडिटिंग पे, अपने कंटेंट पे, थंबनेल पे इतना फोकस नहीं करते, हम लोग सिर्फ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी कहते हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आखिर में भी कहते हैं, और बीच में भी हम वो चलाते रहते हैं उसकी छोटी छोटी पिक्चर वगैरह, लेकिन हमने कंटेंट अपना इतना अच्छा फोकस करना है उसके ऊपर और थंबनेल के ऊपर, एडिटिंग के ऊपर, कि लोग खुद ब खुद जो है वो हमारी वीडियोस की तरफ कन्वर्ट हो, खुद उसको सब्सक्राइब करें। तो YouTube भी यही चाहता है। तो भाई आज की जो ये जो अनाउंसमेंट है, YouTube की जो न्यू पॉलिसी है, ये इसका सोल्यूशन भी यही है कि आप सब्सक्राइबर्स के आपके शो हो जाएंगे, लेकिन आपने कंटेंट अच्छा बनाना है, ठीक है, उसको बहुत सोच समझ के। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा कि आपने जो कंटेंट बनाना है वो कैसे बनाना है, ऐसे तो नहीं एक माइंड में आइडिया आया और आप उसको लेके बैठ गए और उसको बनाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। मैं आपको उस पर प्रॉपर गाइड करूँगा कि कैसे आपने कोई वीडियो अपलोड करने से पहले कि कंटेंट कैसे सोचना है, फिर उसके बारे में आपने क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो बहुत अहम चीज़ें हैं। जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ वीडियो अपलोड करेंगे, चाहे आप हफ्ते में एक वीडियो ही अपलोड करें, लेकिन आपकी ऐसी जेन्युइन और ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि
कोई भी अगर व्यूअर आता है न्यू व्यूअर तो वो उसको सब्सक्राइब के बगैर ना जा सके। ऐसे नहीं हो कि आप रोज़ाना वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके पीछे अभी कोई प्लानिंग नहीं है, तो ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। यूट्यूब भी बहुत चला के, यूट्यूब भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वो जो काम कर रहा है वो भी मार्केटिंग कर रहा है और वो पैसा कमा रहा है, वही पैसा कमाता है उसी में से हमें देता है, तो उसने भी पैसे कमाने। अब वो भी चाहता है कि यार ऐसे क्लाइंट्स हैं जो उसकी जो इनकम है, यूट्यूब की इनकम बढ़े कैसे, उसके लिए वो न्यू से न्यू पॉलिसीज बनाता रहता है। तो उम्मीद है कि आज की जो सोल्यूशन मैंने आपको बताई है वो समझ आई होगी, और आज की इस वीडियो का मकसद भी है। अगर आप इसे फोकस कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका चैनल उसी तरह ग्रो करेगा। तो ये इसका सोल्यूशन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आप तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।